नमस्कार, मैं आशीष कुमार। अभी के संदर्भ में जब गंगा किनारे 2000 सब मिलने की खबर सरकार दबाने की कोशिश कर रही है, ऐसी व्यवस्था में इंसान के जीवन की क्या कीमत है? इसी के साथ प्रस्तुत है आप सभी के समक्ष साथी प्रभात की कविता लावारिस क्लासें। नदियों में, तालाबों में, जली झोंपड़ियों के राखों में, बड़े बड़े इमारतों के मलबों से, सरकारी फाइलों के कलमों से, ठाकुर सामंतों के घने बागान से, झूठी प्रतिष्ठा और स्वाभिमान से अक्सर निकल आते हैं कुछ सब जिनका कोई बारिश नहीं होता। ज़रा सोच कर देखो कौन होते हैं ये लोग। रुक जाती हैं इनकी सफ़र उस पुल के नीचे आकर जिसका सरिया उसने खुद लगाया था। खामोश हो जाती हैं सांसें उस इमारत के मलबे के नीचे जिसकी पहली ईंट उसने खुद चढ़ाया था। क्यों? झूठे स्वाभिमान में घोंटे गए गले और बराबरी के लिए उठे हाथों को सरकारी दफ्तरों के टाइपराइटर से लावारिस बनाया जाता है। अगर एक पल के लिए भी तुम संवेदना से भर जाओ, भले अगले ही पल तुम सब कुछ भूल जाओ जैसे भूलते आए हो आज तक, उस पल भर में ही खुद से सवाल करना कि कौन थे ये लोग और क्यों बनकर रह गए ये सिर्फ लावारिस लाशें। धन्यवाद।